हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्पेशली जानेंगे 14 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है उसकी सही टाइमिंग क्या रहेगी, और दूसरा कि गर्भवती महिलाओं को कौन सी खास गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, विशेष सावधानी रखनी चाहिए उन्हें सूर्य ग्रहण के टाइमिंग पर। और साथ ही में हम इस वीडियो में जानेंगे कि ग्रहण लगने से पहले ही, एक दिन पहले ही, आपको कौन से काम पहले से ही कर लेने चाहिए ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कौन सी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो पहला है कि जब भी ग्रहण स्टार्ट होता है तो गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि ग्रहण के समय चाकू, कैंची, सुई, धागे वाले काम, तेज धार वाली चीज़ें, पेन, पेंसिल, सेफ्टी पिन, इन चीज़ों को बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखना है। चॉपिंग, कटिंग, जितने भी कार्य होते हैं, सब्जी कट करना, शूरना, शीलना, ये कार्य आपको किचन के बिल्कुल भी नहीं करने हैं। गैस जलाना, चूल्हा जलाना, ये काम भी आपको नहीं करने हैं। माना जाता है ऐसे कार्य करने से गर्भ में पल रहे बच्चे पर जलने या फिर कटने के निशान देखने को मिलते हैं। और गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ में पल रहे बच्चे की आँखों में कष्ट होता है। और जब सूर्य ग्रहण लग जाता है उस समय गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि सूर्य ग्रहण की किरणों को बिल्कुल नंगी आँखों से नहीं देखना है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो ऐसे रूम में बैठें जहां पर बाहर की रोशनी आप तक ना पहुंचे, इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण की टाइमिंग पर गर्भवती महिलाएं खाना खा सकती हैं या फिर नहीं। तो देखिए, अगर गर्भवती महिलाएं इतने लंबे समय तक भूखे प्यासे नहीं रह सकती हैं, वैसे तो ये जो टाइमिंग है सूर्य ग्रहण की वो 8:34 पर रात के समय पर लग रहा है, तो ऐसे में इस समय तक आप अपना खाना पानी पहले ही कर लें। अगर आप लेट खाती हैं तो आज के दिन आप से खा लें ताकि आपको ग्रहण के समय खाना पानी ना करना पड़े। लेकिन फिर भी अगर आप इतने लंबे समय तक भूखे प्यासे नहीं रह सकती हैं, आपको बार बार प्यास लगती है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि ग्रहण लगने से पहले ही अपने बने हुए खाने पानी में आप तुलसी के पत्ते डाल दें। तो ऐसे में आप ग्रहण के समय में भी इन चीज़ों का खाना पानी अपना कर सकती हैं और ग्रहण के बाद भी कर सकती हैं। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपने ग्रहण से पहले जो चीज़ें बनाकर रखी थी, बनी हुई चीज़ें जिसमें आपने तुलसी के पत्ते नहीं डाले हैं, तो ऐसे में इन चीज़ों का इस्तेमाल आप ना तो ग्रहण के समय कर सकते हैं और ना ही बाद में कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने बने हुए खाने में तुलसी के पत्ते नहीं डाले हैं। क्योंकि तुलसी जो है वो ग्रहण की किरणों से आपके खाने को दूषित होने से बचाती है, शुद्ध रखती है। तो फिर अगर आपने तुलसी नहीं डाली है तो फिर आपको उसके बाद फ्रेश बनाकर ही खाना पड़ेगा। जो खाना पहले से बना था उसे आप नहीं खा सकती हैं, ये आपके लिए और आपके घर में पल रहे बच्चे के लिए खाना सुरक्षित नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि ग्रहण लगने से पहले ही गर्भवती महिलाओं को कौन से काम पहले से ही, एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। तो एक दिन पहले आपको तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं। तुलसी के पत्ते ग्रहण के समय नहीं तोड़ते हैं। पत्तेदार चीज़ें या फिर फूल तोड़ना, पत्ते तोड़ना, इन चीज़ों को आप सूर्य ग्रहण के समय नहीं तोड़ सकती हैं। इसलिए आपको सूर्य ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए और अपने पास रख लेने चाहिए। गेरू भी आप मंगवा कर रख लें ताकि ग्रहण लगने से पहले ही आप अपने पेट पर गेरू का लेप कर दें। ऐसा करने से ग्रहण की जो दूषित किरणें होती हैं वो आपके घर में पल रहे बच्चे पर नहीं पहुँचती हैं, आप पूरी तरह से सुरक्षित रहती हैं और आपके घर में पल रहा बच्चा भी। और ग्रहण लगने से पहले ही आप एक नारियल मार्केट से अभी से मंगवा कर रख लें। ग्रहण जब होगा, उसकी टाइमिंग होगी, उस समय आपको लगातार अपने पास एक नारियल रखना है, नारियल से दूर नहीं होना है। नारियल आपके इर्द गिर्द एक ओरा बनाकर रखता है जो कि आपको ग्रहण काल की जो भी दूषित किरणें होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, उससे आपको बचा कर रखता है। और आपको एक और कार्य करना है, एक अपनी लंबाई जितना काला धागा लेकर अपने जिस रूम में आप बैठी हैं उसके कोने में आपको चिपका देना है। ध्यान रखना है ये धागा टेढ़ा ना हो, इसलिए सैलो टेप से इसे चिपका दें। ऐसा करने से भी ग्रहण का जितना भी नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ना होगा वो आप पर ना पड़कर उस धागे पर पड़ेगा। तो आप ग्रहण काल की जितने भी, अगर आपसे कोई भूल से भी कोई गलती हो जाएगी तो आप पूरी तरह से ग्रहण से बची रहेंगी। ये कार्य आपको बिल्कुल इस समय पर करने हैं। एक और बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसकी जो टाइमिंग है वो आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये टाइमिंग है 8:34 पर रात को ये ग्रहण लगेगा और 2:25 पर समाप्त होगा,
14 अक्टूबर की रात को ही ये ग्रहण लगेगा 8:34 में और रात को 2:25 पर ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ये ग्रहण जो है रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण भारत में जो है वो दिखाई नहीं देगा। अब भारत की अगर बात करें तो भारत में रहने वाली महिलाओं को सूत्र के नियमों का पालन नहीं करना है जो कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले लगेगा, लेकिन जब सूर्य ग्रहण की टाइमिंग होगी यानी 8:34 से 2:25 तक जो टाइमिंग है उसमें भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को भी पूर्ण रूप से ग्रहण के नियमों का पालन करना ही होगा। अब आप बोलेंगे कि रात को है तो रात को चंद्र ग्रहण होना चाहिए, तो ये सूर्य ग्रहण कैसे? तो देखिए भारत में नहीं लग रहा है इसलिए ये रात की टाइमिंग बताई जा रही है, भारत में नहीं है। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी ग्रहण लगेगा उसका असर पूरी पृथ्वी पर होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि थोड़ी बहुत सावधानियाँ ज़रूर रख लें क्योंकि बात उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की है। अगर हम थोड़े बहुत नियम मान लेंगे तो इसमें आपका भी क्या जाता है, एक दिन की बात है, आपको अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रहण है वो कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो ग्रहण है पश्चिमी राज्य अमेरिका सहित उत्तरी अमेरिका के हिस्सों में ये ग्रहण देखा जाएगा, प्रशांत महासागर में भी ये ग्रहण नज़र आएगा। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रहण है उसके बाद क्या करना चाहिए, जब ये सूर्य ग्रहण की टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी तो सूर्य ग्रहण की टाइमिंग जब ख़त्म हो जाएगी तो 2:25 रात का टाइम होगा। तो ऐसे में भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को रात के टाइम आप आराम से सो जाइए, सुबह उठकर आप क्या करें घर की साफ़ सफाई करें और उसके बाद गंगा जल पी लें, गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कर दें, नहा धोकर फ्रेश आपको कपड़े डालने हैं और जो नारियल और काला धागा आपने इस्तेमाल किया था ग्रहण काल में उसे आपको चलते पानी में विसर्जन कर देना है या फिर आपको उसे मंदिर में दे देना है या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी उसे रख सकते हैं। और सुबह आपको मॉर्निंग में उठकर भगवान से प्रार्थना करनी है, धूप दीप करनी है, पूजा पाठ करनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि ग्रहण काल के जो भी प्रभाव थे उससे आप बची रहें और आपके घर में पल रहा बच्चा भी बचा रहे। और आपको ये बात विशेष ध्यान देनी है कि ग्रहण काल में आपको पूजा पाठ नहीं करनी है, मंदिर के कपाट जो है बंद कर देने हैं, मूर्तियों को छूना इस समय पर वर्जित माना जाता है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना खास ख्याल रखिए, थैंक यू गाइज़।